आज मैं आपको तीन बहुत ही हेल्दी डिशेस बनाना सिखाऊंगी। ये डिशेस आप किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। वेट वॉचर्स के लिए डिशेस बहुत अच्छी हैं, आप बिना किसी गिल्ट के इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। आज की फर्स्ट डिश है चोकोलावा बॉल्स। सबसे पहले हम एक बाउल में सूजी डालेंगे, नमक डालेंगे इसमें, कोको पाउडर डालेंगे। ये देसी खांड है, आप चाहें तो आप शुगर भी डाल सकते हैं, पर ये हेल्दी वर्जन है इसलिए मैंने देसी खांड ली है। ये अनरिफाइंड शुगर होती है। ऑलिव ऑयल और दही, इसको अच्छे से हम मिक्स करके एक अच्छा स्मूथ बैटर बना लेंगे। अगर जरूरत है तो थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल लेंगे। इसको अच्छे से फेंट कर मैंने एक लम्प फ्री बैटर बना लिया है। अब हम इसे ढककर करीब 10 मिनट के लिए सूजी सेट होने के लिए रख देंगे। करीब 10 मिनट हो गए, सूजी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसमें पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालूंगी। अच्छे से इसे हम 1 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। कप्पे पैन को मैं ऑयल से ग्रीस करूंगी। अब ये जो बैटर है ये मैं इसमें फील कर दूंगी। एक बार हमें हाफ हाफ इसे फील करना है। अब मैं इसमें चॉकलेट के क्यूब्स रख दूंगी। ये 90% डार्क चॉकलेट है। सभी चॉकलेट्स को हम बचे हुए बैटर से कवर कर देंगे। दोनों पैन्स को मैं कवर कर दूंगी। लो फ्लेम में हम करीब 5 मिनट तक इसे पकने देंगे। करीब 5 मिनट हो गया, ये अच्छे से नीचे से सिक चुकी है। अब मैं इसे उलट दूंगी। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जिसे चॉकलेट पसंद है उसे ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। करीब 1 मिनट हो गया, ये अच्छे से सिककर तैयार है। इसे मैं एक प्याले में निकाल लेती हूँ। चोकोलावा केक का बहुत ही कम ऑयल के साथ ये बहुत हेल्दी वर्जन है, जिसे आप बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये हमारे चॉकलेट फिल्ड अप्पे बनकर तैयार हैं। आज की दूसरी रेसिपी है चॉकलेट ओट स्मूदी। ये एक मैंने मिक्सिंग जार लिया है, इसमें मैं सबसे पहले ये रेडीमेड ओट्स डाल दूंगी। मिल्क डालेंगे। ये मैंने आलमंड मिल्क लिया है, आप इसकी जगह कोई रेगुलर मिल्क भी ले सकते हैं। एक कोको पाउडर डालूंगी। फ्लेवर के लिए एसेंस डालूंगी। ब्राउन शुगर डालूंगी। ब्राउन शुगर की जगह आप मेपल सिरप या हनी भी डाल सकते हैं। आधा केला डालूंगी। अगर आप जिम वगैरह जाते हैं तो केले की जगह आप प्रोटीन पाउडर भी डाल सकते हैं। एक टुकड़ा इसमें मैं चॉकलेट का डालूंगी। अब हम इसे चर्न कर लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से चर्न कर लिया। मैं इसे एक बाउल में निकालूंगी। मैंने इसमें 90% डार्क चॉकलेट ली है, हेल्दी के लिए वही डार्क चॉकलेट यूज की जाती है।
अब मैं इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी करीब 15 से 20 मिनट। स्मूदी को मैंने फ्रिज से निकाल लिया, ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स डालूंगी। सबसे पहले मैं कुछ कैशोज के टुकड़े डालूंगी, साबुत कैशोज को मैंने तोड़कर टुकड़े कर लिया था। अब मैं इसमें कुछ फ्लैक्स सीड डालूंगी, फ्लैक्स सीड आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं थोड़े पम्पकिन सीड डालूंगी, पम्पकिन सीड ऑप्शनल है, आप इसकी जगह कुछ दूसरे सीड भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ अनार के दाने डालूंगी। अब मैं कुछ ग्रेप्स को ऐसे बीच से काट कर इसमें यहाँ सजा दूंगी। अब मैं इसमें कुछ चॉकलेट चंक्स डाल दूंगी, ये 90% डार्क चॉकलेट है, आप इसमें अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट नट्स डाल सकते हैं। आज की तीसरी रेसिपी है मिक्स फ्रूट वीगन स्मूदी। ये एक कीवी ली है जिसको मैं छील के टुकड़ों में काट लूंगी। अब इसको जैसे भी टुकड़ों में काट लीजिए। आधा मैं पियर लूंगी, पियर को छीलना नहीं है। एक प्लम लूंगी, प्लम को भी छीलना नहीं है। फिर वे सारे फ्रूट मैं एक मिक्सिंग जार में डालूंगी। इसमें मैं कुछ भी एडिशनल स्वीटनर नहीं डाल रही हूँ, आप अगर चाहें तो आप अपनी पसंद का कुछ डाल सकते हैं इसमें मीठा। अब मैं कुछ ग्रेप्स के दाने भी इसमें डाल दूंगी। इसे मैं चर्न कर लूंगी। ये देखिए फ्रूट्स को मैंने पीस कर पल्प कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ आइस क्यूब्स डालूंगी। और मैं इसको दोबारा से थोड़ा चर्न करूंगी। ये देखिए स्मूदी अच्छे से बनकर तैयार है। मैं इसे एक बाउल में निकाल दूंगी। एक टीस्पून चिया सीड मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी करीब 15 से 20 मिनट के लिए। स्मूदी सेट करने के लिए मैंने फ्रिज में रखी थी, ये अच्छे से सेट हो चुकी है। चिया सीड अच्छे से फूल चुके हैं। अगर आपके पास चिया सीड ना हो तो आप उसकी जगह सब्जा सीड भी ले सकते हैं। अब मैं इसे थोड़े फ्रूट से डेकोरेट कर दूंगी। आप अपने मनपसंद कोई भी फ्रूट से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इस स्मूदी में बनाना की स्वीटनेस बहुत ही अच्छी लगेगी। अपने मनपसंद सीड्स और फ्रूट आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो।